सो फिर तुम कैसे इसमें चढ़ी? इसमें तो 9 फिर छोड़ो छोड़ो कितना ब्यूटीफुल नजारा है और मेरा यहाँ पे। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे से खैर से। और अचानक से आज हमारा प्लान हो गया है कि मेरी फ्रेंड्स आई थी यहाँ, उनने कहा कि तो मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थे बट वो ब्लॉग पे नहीं आ सकती है, उनने कहा था कि हम कहीं जाएंगे, तुमने ट्रीट नहीं दी, तुमने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया, तो आज काफ़ी टाइम बाद वो आई है, तो हमने सोचा भी बाहर जाएंगे, बट कहाँ जाएंगे अभी कुछ नहीं पता है, तो हमने कैब बुक कर ली। अभी कैब आ ही रही होगी, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं कि रास्ते में कहाँ जाएंगे हम। और गाइस एक और बात कि आज मैंने सोचा मैं बाइक को भी बाहर ले जाऊं, बिकॉज वो बेचारा ज़्यादातर बिजी रहता है स्टडीज़ वगैरह में, तो आज इफ़ाम भी हमारे साथ आएगा। हाय करो। हाय हाय। तो आगे ही मिलते हैं, अब चलते हैं। यहाँ पे हमारी कैब आ चुकी है और हम अब कैब में चलने वाले, तो चलो चलते हैं यार, आ जाओ सारे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मरीन ड्राइव, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी जगह लगती है। चलो आ जाओ। पहले नहीं चलाना ना, इसको लिफ्ट नहीं आती चलाने। नहीं यार मुझे आती है। तो गाइस यहाँ पे ना अलग ही वाइब आ रही है क्योंकि मुझे जगह बहुत पसंद है, मैं आती रहती थी तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी क्योंकि रिसेंटली खुला मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ ना रिसेंटली कहाँ, इसको 6 साल हो गया, मतलब कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सो फिर तुम कैसे इसमें चढ़ी? इसमें तो 9 फिर छोड़ो छोड़ो तो मेरा तो यहाँ पहली बार आना है, बहुत अच्छी जगह है। क्या लाइम सोडा? कहाँ है लाइम सोडा? यार तुम्हें क्या करना है मुझे बोलो, एक तो पहले फ्राइड राइस लाएंगे और कोई नहीं है ड्रिंक। तो सोफिया आपने क्या ऑर्डर दिया यहाँ पे? मैंने ऑर्डर किया है फ्रेश फ्रूट सैलड, लाइम सोडा, और मैंने किया है फ्रेश फ्रूट सैलड की फ्राइड राइस अपने लिए, फ्रेश फ्रूट सैलड। अच्छा, क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ ना, तो तुम लोगों के लिए मैंने फ्राइड राइस किया है और देखते आगे क्या मन आएगा कुछ खाने का। मगर ये जगह तो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है। कैसा है सोफिया? टेस्टी है। आपको कैसा लगा? मोटी मोटी। फ्रूट सैलड कहाँ गया? फ्रूट सैलड खाना था ना, वो भी खाओगी? सोफिया ने ऐसे बोला मैं फ्रूट सैलड ला रही हूँ, मुझे लगा ये इसमें हाथ नहीं लगा। ये भी खा रही हो आप मोटी? मैं थोड़ा सा खाया। तो गाइस हमारा बोझ वोझ हो चुका है, मेरा क्या हो गया, मेरे को तो बस नींबू पानी। अचानक से हिंदी वर्ड यूज़ कर देती हो। तो गाइस मैंने तो सिर्फ नींबू पानी और सैलड खाया है, बाकी सारू करू ने खाया है, इनने भी क्या ही खाया, आप क्या ही बोलो। मैं अभी यहाँ से निकल के बाद मैं फिर से मिलती हूँ। अमीर लोग यहाँ पे बिल पे करेंगे, करो करो। मुझे जैसे गरीब पे बिल पे करना, एक किलो देना है हम अभी देंगे। तो गाइस यहाँ पे सामने दे दिए इनको और यहाँ पे हमने पेमेंट कर लिए। तो गाइस अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे टूर, यहाँ अगर लगा तो टूर भी देंगे, अगर नहीं तो फिर फिलहाल हम फोटोज ही खींचते हैं। गाइस आप लोगों ने मरीन ड्राइव देख लिया होगा, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आप में से भी किसी को आना तो जरूर आइए क्योंकि यहाँ पे मतलब जगह अच्छी है, एक्सपेंसिव है, मतलब उतना भी मतलब एक्सपेंसिव है, थोड़ा बहुत उतना भी नहीं खर्च इतना ये रख रहे हैं ना। तो गाइस अब हम चल रहे हैं, चलते चलते हमने सोचा कि हम एमिगोज भी जाएंगे, वहां पे भी कुछ खाएंगे, भूख लगी हमें क्योंकि हमारा पेट फुल नहीं हुआ इधर पे, तो इसलिए हम वहाँ चलते हैं। चलते यार चलो। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं एमिगोज और अब हमारा प्लान है इसके बाद डल जाने का, बिकॉज आज का दिन जो है एंजॉयमेंट के नाम है ना। आप पहले अंदर जाएंगे, देख वहाँ कितने लोग हैं यार, देख। क्या कहना चाहोगी तुम? तो गाइस फाइनली अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे, बिकॉज वहाँ पे हमें कुछ उतना कुछ खाया। यहाँ कितनी भीड़ है यार, क्या बहुत ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर बहुत। तो गाइस फाइनली हमारा पिज्जा आ चुका है, हालांकि हमेशा जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ लेट ही हो जाता है, तो आ चुका है फाइनली। कितना खाएगी वो? चिली फ्लेक्स डाले थे जो मेरे दोस्त, इनका मुँह का जबड़ा जल चुका है अंदर से, तो क्या दे दिया यहाँ पे, तो लाइन लग गई थी, अब सारे को देने थे।
सारे डन, थोड़ा घूम घूम के आएंगे। क्या बुक करनी है ना, बुक कर रहे अभी आई नहीं, अब देख के कॉल में आएगा। फाइनली हम आ चुके हैं डल, लेकिन हमें पता नहीं अभी हम क्या करने वाले हैं। ऐसे हम आ तो चुके हैं, अभी कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे क्या करिए। फिलहाल हम चल रहे हैं ऐसे ऐसे, चलो फिलहाल तो G20 के दौरान आ डल लेके नज़ारे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरी दोस्त जो है ना वो शिकार वाले हमें बोले चढ़ो, मेरी दोस्त बोल रही है अगर हम आए आप ही के पास चढ़ेंगे, बोल रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा, गाने चल रहे हैं वहाँ से, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम आइसक्रीम लेके आ चुके हैं, यस बिल्कुल, क्या बहुत ज्यादा प्याज भी लगी हुई है, आइसक्रीम में खाएंगे। सोफिया कुछ मान ही नहीं रही है, वहां मचाओ यहां मचाओ, मैं थक जाती हूं यार, कितना ब्यूटीफुल नजारा है। और मेरा यहां पे ना पसीना छूट, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं इतना थक गई, मुझे चल रहा है, इन्होंने मेरे पैर चल रही है, तो इनको मैं बोल रहा हूं राफ्टिंग करिए, नहीं मुझे पानी से डर लगता है, हम बोलते हैं इसमें चढ़ेंगे, क्या बोलते इसको शिकारा में, नहीं डर लगता है, तो बचता क्या है, यहां साइकिलिंग करेंगे, वो साइकिल अभी तक दिखी नहीं, वो हम पीछे छोड़ गए, सोफिया ने हमें कहीं नहीं लेवाया। तो थक क्या गई तुम, तुमने कही हमने पिज्जा भी अपने पैसों का खाया, सब कुछ अपने पैसों का दिया, और राफ्टिंग भी नहीं करवाई हमें, राफ्टिंग मैं क्या इनको करवाती हूं, हमें अगर इनको कुछ हो जाएगा घर वाले मुझे पकड़, हां बोल डरपोगी तेरी, मैं डरती हूं पानी में, मैं मर जाऊंगी पानी में, सच इससे क्या ही क्या होती है, ओए यार मजा ही नहीं आया कुछ खा रहे हैं, सॉफ्ट ही खाने वाले की हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। पूछो मत किसी के ना, टाइम वेस्ट किया हमारा, मैंने कुछ नहीं किया, जा लाओ। के बाद हमें ये जो है इलेक्ट्रिक ऑटो मिला है, हमने कैब बुक की थी, उसको टायर पंचर हो गया, दो बार बुक की थी, दो बार कैंसिल राइड की उन्होंने, अब हम इलेक्ट्रिक ऑटो में जा रहे हैं घर, और मेरे पैर सूज चुके हैं, बस अब मैं घर पर मिलूँगी आपसे। पहुँच गए हैं अपनी लेन में, और जो मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक ऑटो वाले जी थे उनने कहा हम अंदर नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत दूर है, बस दो कदम के लिए उन्होंने बाहर ही छोड़ दिया, चलते हैं अब घर। The next morning. So guys, आज मैं दूसरे दिन व्लॉग शूट कर रही हूँ, कल वहाँ से आके हम थोड़ा सा खाना वाना खाया था शायद शाम को, उसके बाद सो ही गए, तो फ्रेंड्स भी चले गए थे वापस, और फिर मैं वीडियो को एंड करना भूल गई थी, तो आज का वीडियो जो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। सो गाइस, इफ यू रियली लाइक माय वीडियो सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।